हेलो बच्चों, कैसे हो? लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? 14.1 और सम्मिति के दूसरी जो छोरी पार्ट था वो देखा था। अब हम आज क्या करेंगे? 14.2 लास्ट पार्ट का प्रैक्टिस करी आपने? बहुत अच्छे से समझाया था मैंने, समझ में आ गया होगा ज़रूर, है ना? तो आज हम 14.2 देखेंगे, जिसमें और हमने सम्मिति, रेखीय सम्मिति देखी थी और गुणन सम्मिति देखी थी। रेखीय में क्या था कि जब उसके बीच में लाइन खींचनी होती थी और दो इक्वल पार्ट में करते हैं, और गुणन में रोटेट होता है थोड़े थोड़े एंगल से, कि जिस एंगल से वो रोटेट हो रहा है तो वो गुणन सम्मिति कहलाती थी। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया था ना? अब हम आज 14.2 देखेंगे, नई प्रश्नावली है, फिर हम 14.3 देखेंगे। ओके, तो इस चैप्टर की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। करें 14.2, स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें क्या कर रहा है, निम्नलिखित आकृतियों में से किन आकृतियों में एक से अधिक क्रम की गुणन सम्मिति है? एक से अधिक क्रम की गुणन है। देखो ये वाली शेप लेते हैं, इसमें कोई भी पॉइंट ले लो आप, पी। ओके, पी ले लिया, पी। अब गुणन करते जाओ, गुणन मतलब आपको ऐसे कैसे उसको रोटेट करना है। तो अगर इसमें पॉइंट भी दे रखे हैं इसने कि कहाँ कहाँ पे रोटेट करना है, फर्स्ट नंबर पे पी यहाँ आएगा, सेकंड पे यहाँ, थर्ड पे यहाँ और फोर्थ पे यहाँ। तो इसमें एक से ज्यादा क्रम की सम्मिति है कि नहीं है? है। सेकंड पोजीशन देखो, तो इसमें कितने क्रम की है? फोर। सेकंड वाली में पी यहाँ था, करो स्टार्ट, वन यहाँ पे आया ऐसे घूम के, फिर टू यहाँ पे आया और थ्री यहाँ पे आया, कितने क्रम की हो गई? तीन क्रम की। थर्ड वाली इमेज, अब देखो इसको मैं बना के समझा देती हूँ आपको। ऐसी कुछ इमेज है, अगर मैं इसमें गुणन सम्मिति लगाती हूँ, सेकंड वाली इमेज कैसी हो जाएगी? ऐसी कुछ आएगी। थर्ड वाली फिर वापस सीधी हो जाएगी, क्योंकि वो रोटेट हो रही है ना, जैसे कोई भी चीज़ को आप जैसे रोटेट करते हो, ये है, इसको ऐसे रोटेट किया, फिर ऐसे किया और फिर वापस ऐसे किया, तो उसको रोटेट करना है उस चीज़ को। तो इसको आपने, जैसे ये कोई शेप थी, इसके दोनों तरफ वो थे, तो आपने इसको रोटेट किया तो ऐसे हो गई, फिर आपने रोटेट किया तो ऐसे हो गई, ऐसे, तो रोटेशन उसका चल रहा है। तो फर्स्ट ऐसे पोजीशन थी, सेकंड वाली में ऐसे हो गई, थर्ड वाली में ऐसे हो गई और फोर्थ वाली में फिर ऐसे हो गई, है ना, और फिफ्थ वाली में जाके ऐसे हो गई। लेकिन किसी भी सम्मिति में ये सेम नहीं आई फर्स्ट वाली की। देखो एक चीज आपने नोट करी, आप पहले वाली में तो सब में सेम आ रही थी, लेकिन इसमें सेम नहीं आई, क्या रीजन है? तो इसमें जो सम्मिति है वो एक से कम है। ओके, ये वाली शेप में, थर्ड वाली में। फोर्थ एच लेते हैं, एच में भी सेम यही केस करते हैं, करें। एच स्टार्ट करते हैं, एच किया मैंने ऐसे, ओके, सेकंड रोटेट करो ऐसे, थर्ड नंबर पे फिर एच ऐसे आ गया और फोर्थ नंबर पे फिर रोटेट हो गया ऐसे। ओके, नहीं, उल्टा बना दिया मैंने, एच उल्टा आएगा ऐसे आई के जैसा, और फिफ्थ नंबर पे वापस ऐसे आ गया, तो कितने क्रम की हो गई? एक बार तो रिपीट आया ना वापस फर्स्ट जैसा, तो दो क्रम की हो गई, है ना। अब ई शेप, इसमें भी ये एज अ सर्कल है, वृत्त है, एक पॉइंट ले लिया पी, सेकंड नंबर पे यहाँ आएगा, थर्ड नंबर पे यहाँ आएगा, फोर्थ नंबर पे आके यहाँ आ जाएगा, तो कितने क्रम की हो गई? तीन क्रम की। एफ यहाँ से पी स्टार्ट करते हैं, चलो वन टू थ्री और फोर, कितने क्रम में पहुंचा? और बिल्कुल सम्मिति सेम रही सब में, शेप ऐसे, शेप चेंज नहीं हुई, वरना हम काउंट नहीं करते उसमें। तो इसमें कितने की हो गई? फोर की। एक बार मैं लिख दूं साफ, इसमें कितनी? फोर। इसमें कितनी? थ्री। इसमें वन। इसमें टू। इसमें थ्री और इसमें फोर। अब सेकंड क्वेश्चन, प्रत्येक आकृति के गुणन सम्मिति का क्रम बताइए। अब हमको इसमें क्रम बताना है। देखिए ये ऐसी कोई शेप है, अब ये कोई पॉइंट है, अब मैंने इसको रोटेट किया, सेकंड टाइम पे पी कहाँ आ जाएगा? रोटेट हुआ पूरा, तो कहाँ पे आ गया? ये चक्री की तरह है, जैसे आपने चक्री देखी ना, कोई चीज़ घुमाते हो आप, झूला है तो एक बच्चा एक बार यहाँ पे आएगा, दूसरा बच्चा वहां पे चला जाएगा, ऐसे रोटेट हो रहा है। सेकंड नंबर पे यहाँ, तो कितना क्रम हो गया इसका? टू। दो क्रम में वापस वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। अब इसमें देखिए, ये देखो, ये दो कोई पेंसिल है क्रॉस में ऐसे, तो ये 80 है। और एक चीज आपने पढ़ी थी लास्ट चैप्टर में, वर्टिकल अपोजिट एंगल कितने होते हैं? इक्वल होते हैं, तो ये 80 है तो ये भी 80,
और ये बात हम भी जानते हैं कि एक रेखा पर बने कोण कैसे हो, कितने होते हैं, 180 डिग्री। तो ये 80 है तो ये कितना हो गया, 100 डिग्री। ठीक है, अब हम एक चीज लेके चलते हैं। फर्स्ट में मेरा पी यहाँ था, करें स्टार्ट। ओके चलो, फर्स्ट मेरा पी यहाँ था, सेकंड नंबर पे अगर पी यहाँ आया तो क्या हो गया, 80 इधर आ गया, तो सम्मित हुआ, फर्स्ट से सेम हो नहीं है ना। फिर अगर 80 यहाँ आता है तो मेरा सम्मित हो सकता है, थर्ड नंबर पे फिर 80 यहाँ आया तो सम्मित नहीं होगा, और फोर्थ नंबर पे वापस 80 यहाँ आएगा तो सम्मित होगा। ओके, तो कितनी, दो टाइम ही होगा, एक तो यहाँ पे और यहाँ पे, तो कितनी हो गई इसकी, 2। ये है ट्राइंगल, स्टार्ट करो, पी 1, 2 और 3 पे यहाँ आ गया, तो कितनी हो गई इसकी, 3। ओके, ये कोई शेप है, स्टार्ट करो, 1, 2, 3 और 4 हो गई, कितनी हो गई, 4। देखो इसमें अगर हम किसको कैसे भी रोटेट करें ना तो इसकी शेप चेंज नहीं हो रही है, बस यही तो हमको देखना है कि इसकी सममित कितनी होगी, गुणन सममिति, ये शेप, करें स्टार्ट। देखो मैं ऊपर वाला डिलीट कर देती हूँ एक बार, आपको दिख नहीं रहा है, यहाँ पी करो, 1, 2, 3 और 4, चौथे में जाके वो ओरिजिनल आ रहा है, 4 हो गई। ये है पेंटागॉन, पंचभुज, तो स्टार्ट करूँ, 1, 2, 3, 4 और 5, क्योंकि देखो इसको आप कैसे भी घुमाओ इसकी शेप चेंज हो रही है। देखो पहले आपने ऐसे किया, ऐसे किया, पहले आप इसको एक बार कागज़ पे बना के देखो, फिर आप इसको रोटेट करो, एक पेपर पे लेना, ऐसे शेप काटना, उसको कैंची से काटना, और उसके बाद में उसको रोटेट करते जाना, फर्स्ट पोजीशन, और एक बार ऐसे पेपर रख के कॉपी में उस पर पी पोजीशन लिख देना, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर आप काउंट करना कितनी पोजीशन आती है, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इसमें हो गई कितनी पोजीशन, हो गई 5। ये कोई स्टार जैसी शेप है, स्टार्ट करें, फर्स्ट मेरी यहाँ थी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, कितनी, 6। ओके, अब ये कोई मेरी ऐसी शेप, आप कंफ्यूज हो गए मैं क्या करूँ, कोई बात नहीं, ऐसे ये ट्राइंगल जैसी दिख रही है थोड़ी, तीन कोने, पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, कोई सा भी ले लो आप, फर्स्ट पोजीशन पी यहाँ आया, सेकंड पोजीशन और पी यहाँ आया, थर्ड पोजीशन, कितनी हो गई, 3। समझ में आ गया, जैसे कोई भी तीन लाइनें क्रॉस है, उसके बाद में आप उसको रोटेट करते जाओ, इसकी साइज में कोई चेंज आएगा नहीं, सेम रहेगी, आप इसको कैसे भी रोटेट कर दो बिल्कुल सेम साइज हमेशा रहेगी, तो रोटेशन कितना हो गया, 3। ओके, इस वाली शेप का आया 3। ओके, समझ में आ गई, 14.2 एक्सरसाइज है ना, और प्रैक्टिस करना आप इसकी, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे पढ़ें, अब हम पढ़ेंगे रेखिक सममिति और गुणन सममिति। देखो पहले हम सिर्फ रेखिक पढ़ रहे थे, सेकंड बार में हमने सिर्फ गुणन पढ़ी, अब यहाँ पे दोनों हैं, रेखिक और गुणन दोनों फॉलो करती है रूल्स। ओके, जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, जैसे मैंने ये वाला लिया, ये कोई शेप है, इसको मैं अगर ऐसे काटती हूँ तो रेखिक हो गई, सेम पार्ट इधर, सेम पार्ट इधर, गुणन करते हैं, चलो एक बार ऐसे रोटेट किया, सेकंड बार ऐसे किया, थर्ड बार ऐसे किया और फोर्थ बार ऐसे किया, तो हो गई गुणन, यानी उस चीज़ की रेखिक भी बनानी है और उस चीज़ का गुणन भी बनाना है दोनों, तो इसमें हम सब में कर सकते हैं। ये कोई स्क्वायर है, ओके, जैसे वृत्त, वर्ग, ओके, तो हम उसको ऐसे किया तो सेम इधर भी बना फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, सेम इक्वल बने, इसको मैंने ऐसे क्रॉस किया तो भी सेम, ऐसे क्रॉस किया तो भी सेम, कैसे भी क्रॉस करो तो रेखिक सममिति तो सब में सेम होगी। अब मैं गुणन निकालती हूँ, चलो गुणन करते हैं, गुणन फर्स्ट यहाँ, सेकंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे, फोर्थ यहाँ पे और फिफ्थ, गुणन सममिति भी तो हो गई। तो ये वाले कुछ शेप्स होती हैं जो रेखिक और गुणन सममिति दोनों फॉलो करती है। ओके, करें 14.3 एक्सरसाइज, देखते हैं इसमें कुछ शेप दे रखी है, जेड एस एच ओ ई एन सी, तो उसमें रेखिक सममिति करता है कि नहीं करता, आप इसको काट के देख लीजिए, जैसे जेड है तो इसको तो वो करता है कि नहीं करता, गुणन है तो उसको रोटेट करके देखिए, रोटेट हो रहा है तो वो
अगर सेम शेप आती जा रही है तो वो गुणन समिति शो करेगा। ओके, ये सारे कॉन्सेप्ट आपके 14.3 में क्लियर हो जाएंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, किन्हीं दो आकृतियों के नाम बताइए जिसमें रेखिक सम्मिति और क्रम एक से अधिक की गुणन समिति दोनों ही हो। कोई भी दो शेप बतानी है। देखो जैसे मैं ये कोई भी एग्जांपल लेती हूँ, स्क्वायर और वर्ग और वृत्त दोनों। पहले रेखिक सम्मिति की बात करूं, ऐसे कितनी भी बना सकते हैं आपस में, तो भी इसकी शेप में चेंज नहीं होगा। अब गुणन सम्मिति की बात करती हूँ, P यहाँ पे आई, फिर सेकंड पोजीशन, फिर थर्ड पोजीशन, देखो मैं ये पोजीशन डिनोट कर रही हूँ, फिर फोर्थ पोजीशन, ओके, और फिर फिफ्थ पोजीशन। तो इसमें गुणन भी है और रेखिक भी है। सेकंड, ये कोई मेरा व्रत है, इसमें सम्मिति हो सकती है, कैसे भी आप काट सकते हो इसमें, ऐसे कितने भी अपन ने पहले लास्ट क्लास में देखा था। अब गुणन, पहले ये पॉइंट, इसको यहाँ पे रोटेट कर दो, इसको यहाँ पे कर दो, इसको यहाँ पे कर दो, इसको यहाँ पे कर दो, कितने भी रोटेट कर सकते हो। तो इन दोनों में एक से अधिक की गुणन और रेखिक सम्मिति है। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज जिसमें रेखीय सम्मिति और क्रम एक से अधिक की गुणन सम्मिति दोनों ही हो। देखो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन अपन साथ में करेंगे, और एक त्रिभुज जिसमें केवल रेखीय सम्मिति और क्रम एक से अधिक और गुणन सम्मिति न हो। देखो एक तो मैंने ट्रायंगल बना दिया, समबाहु, एक मैंने ट्रायंगल बना दिया समद्विबाहु। ओके, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, एक में तीनों भुजाएं साइड्स इक्वल होती है और एक में दो साइड्स इक्वल होती है, ये दोनों में डिफरेंस है। ओके, तो अब इसमें मैं कौन सी रेखिक सम्मिति की बात करती हूँ। देखो स्टार्टिंग से चलते हैं, तो रेखिक सम्मिति कितनी हो गई, 1, 2 और 3 हो गई, और गुणन सम्मिति अगर यहाँ से स्टार्ट करूँ, P2, P3 और वापस फिर ओरिजिनल पोजीशन में आ गया, तो रेखिक भी 3 और गुणन भी 3। ये तो था समबाहु त्रिभुज। अब मैं चलती हूँ समद्विबाहु में, देखो बहुत नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। ये थी रेखिक, इसमें ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट की डिवाइड बराबर है। अब यहां से मैं करूं तो इक्वल होंगे, नहीं, यहां से करूं इक्वल होंगे, नहीं, ठीक है। ये तो अब इसमें मैं गुणन की बात कर रही हूं, गुणन इसको रोटेट करो, जैसे यहां पे मैं थोड़ा साफ बना देती हूं। गुणन की बात करें, फर्स्ट पोजीशन पे यहां, सेकंड पे यहां और थर्ड पे यहां, एक में भी सेम आया नहीं, क्योंकि भाई ये तो थोड़ी इसकी, ये दोनों सेम है और ये अलग है, तो अब आप रोटेट भी करोगे तो किसी में सेम नहीं आएगा, तो लास्ट वाली पोजीशन में आके सेम आएगा। तो अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज जिसमें रेखीय सम्मिति का क्रम और सम्मिति और क्रम एक से अधिक की गुणन सम्मिति दोनों ही हो, तो ये हो गया समबाहु त्रिभुज में। और सेकंड जो हमने समद्विबाहु का देखा था, एक त्रिभुज जिसमें केवल रेखिक सम्मिति और क्रम एक से अधिक की गुणन सम्मिति न हो। रेखिक सम्मिति तो एक ही थी ना, देखो ये रेखिक सम्मिति तो सिर्फ एक ही थी और गुणन सम्मिति तो एक भी नहीं थी, है ना, समझ में आ गया। फर्स्ट वाले में तो रेखिक भी है और गुणन भी है समबाहु त्रिभुज में, और समद्विबाहु में सिर्फ रेखिक ही है और गुणन नहीं है। एक चतुर्भुज जिसमें क्रम एक से अधिक की गुणन सम्मिति हो परंतु रेखिक सम्मिति न हो, रेखिक सम्मिति न हो। अब देखो एक चतुर्भुज कोई सा भी आप बना सकते हो, तो मैंने बनाया ये वाला चतुर्भुज। ओके, अब इसमें रेखिक सम्मिति बनाओ, ये बनाई मैंने। ओके, हो गई, हो रही है क्या, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आपको इक्वल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है क्योंकि ओवरलैप हो रहा है, ये कर दिया मैंने, हो रही है, ये भी नहीं हो रही है। इसमें किसी भी एंगल से आप निकालोगे ना तो इसमें सम्मिति
नहीं होगी, तो रैखिक सममिति तो इसमें है नहीं। अब घूर्णन की बात कर लेते हैं, करो स्टार्ट घूर्णन। सेकंड वाली पोजीशन में कुछ ऐसा, जैसे अभी इसको आपने रोटेट किया तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। फोर्थ वाली, थर्ड वाली पोजीशन में ये सेम आकृति में आ जाएगा जैसा फर्स्ट था। ओके, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, और फोर्थ वाली में फिर से ऐसा हो जाएगा, और फिफ्थ में ये इसकी ओरिजिनल। तो इसमें घूर्णन सममिति तो है एक, है ना, इसके दो से घूर्णन सममिति हो गई ना, दो बार रिपीट हो रहा है तो इसकी घूर्णन सममिति तो है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक चतुर्भुज जिसमें एक क्रम एक से अधिक की घूर्णन सममिति हो। घूर्णन सममिति तो थी और रैखिक सममिति नहीं थी, है ना, इस वाले चतुर्भुज में। नेक्स्ट, एक चतुर्भुज जिसमें केवल रैखिक सममिति हो और एक क्रम से अधिक की घूर्णन सममिति न हो। रैखिक सममिति तो हो और घूर्णन सममिति न हो, ये मैंने कोई ऐसा चतुर्भुज बना दिया। ओके, अब मुझे इसमें रैखिक सममिति निकालो इसकी में। चलो निकालते हैं, रैखिक सममिति है, रैखिक सममिति है। अब घूर्णन सममिति करो, रोटेट करते जाओ, करें स्टार्ट। पी, फिर पी आया यहाँ, फिर पी आ गया यहाँ, और फिर पी आ गया यहाँ। एक में भी रिपीट हुआ या सेम आया? नहीं आया। जब वो लास्ट पोजीशन में आएगा ना तभी जाएगा। तो इसमें रैखिक तो मेरी है और घूर्णन नहीं है, हो गया प्रूफ, समझ में आ गया ना। अगला, हाँ, यदि किसी आकृति की दो या अधिक सममित रेखाएं हो तो क्या आवश्यक है कि उसमें एक क्रम से अधिक की घूर्णन सममिति भी होगी? मतलब दो से अधिक की सममित रेखाएं हो, कोई भी आकृति मैंने बना दी जैसे आयत, तो दो क्रम की सममित रेखाएं हैं, ये दो क्रम की हो गई सममित रेखाएं, जो सममित हो गया ना, इधर भी सेम और इधर भी सेम। अब घूर्णन भी सेम होगा कि नहीं होगा? ये पी पॉइंट यहाँ पे तो ये ऐसे हो जाएगा तो सममित नहीं होगा, थर्ड वाली पोजीशन पे ऐसे हो जाएगा, तो हो गया इसकी सममित कितनी हो गई, दो हो गया प्रूफ। इसमें गुण सममित रेखाएं भी है और घूर्णन सममित भी है, हो ना, दो से अधिक। अगला क्वेश्चन देखो, रिक्तस्थान भरने हमको इसमें, मैं आपको ये सॉल्व करके बताऊंगी। फर्स्ट, इसमें हमको क्या क्या, एक तो घूर्णन का केंद्र चाहिए, घूर्णन सममिति का क्रम चाहिए और घूर्णन का कोण चाहिए। सबसे पहले वर्ग, आयत और समचतुर्भुज। अब सबसे पहले जैसे मैंने वर्ग बना लिया, ओके, एक आयत भी बना लिया। अब देखो इसमें क्या पूछा है, फर्स्ट है कि घूर्णन का केंद्र और घूर्णन सममिति का क्रम। अब घूर्णन का केंद्र क्या होगा, मतलब वो कैसे रोटेट करेगा? तो अगर घूर्णन का केंद्र ये बीच वाला कुछ होगा, और इसको मैं क्या कह सकती हूँ, जहाँ पे विकर्ण आपस में समद्विभाजित होते हैं, ओके, दो क्रॉस होते हैं, तो ये घूर्णन का केंद्र होगा। और सेकेंड चीज पूछी है घूर्णन सममिति का क्रम, मतलब कितने क्रम में सममित होगी। फर्स्ट, अगर मैं यहां से शुरू करती हूं, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, कितना क्रम हो गया, चार। और उसमें घूर्णन का कोण कितना हो गया, 90 डिग्री पे हो रहे ना, 90 90 90 और 90, है ना, 90 90 90 पे हो रहे कि नहीं हो रहे सारे। तो इसमें क्या हो गया, तीन चीजें पूछी, एक तो इसका केंद्र क्या होगा जहाँ पे ये दोनों विकर्ण आपस में क्रॉस करते हैं, बीच वाला विकर्ण का केंद्र, इंटरसेक्ट करते हैं जहाँ पे, है ना, काटते हैं। और दूसरी बात में इसमें क्रम कितना है, तो चार क्रम का, चार बार घूम के फिर वो सेम पोजीशन में आ रहा है। और तीसरी चीज़ पूछी थी इसमें कि एंगल कितना है, तो एंगल कितना होगा, 90 90 डिग्री के। ओके, ये हो गई वर्ग की बात। अब हम आयत में पढ़ते हैं, आयत में भी क्या होगा, जहाँ पे आयत विकर्ण आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, क्रॉस करते हैं, वो इसका केंद्र हो गया विकर्ण। और इसमें भी, इसमें सममिति कितने की होगी, दो की होगी, क्योंकि देखो ये कितने, वापस सेकंड पोजीशन पे ऐसे आएगा, थर्ड वाली पे ऐसे आएगा और फोर्थ वाली पे सीधा हो जाएगा, है ना। तो इसमें क्या हो गया, आयत के कितने हो गए, टू, और इसमें घूर्णन का एंगल कितना हो गया, घूर्णन का कोण कितना है,
180 डिग्री, क्योंकि इसमें तो आ नहीं रहा है, यानी जब वो 180 डिग्री का होगा तभी वो सेम आएगा। आयत, जैसे ये आयत था आपका, एक सेकंड, ये जैसे आपका आयत है, सेकंड वाली पोजीशन में तो वो ऐसा आ जाएगा, थर्ड वाली पोजीशन में ऐसा आएगा, यानी वो इससे आने में कितना 180 डिग्री लगा उसको, क्योंकि पहले तो 90 फिर 90, तो 90 और 90 कितने हो गए 180, तो इसमें घूर्णन का केंद्र कितना हो गया 180 डिग्री। ओके नेक्स्ट, समचतुर्भुज लेना है हमको कोई सा भी, तो समचतुर्भुज में भी सेम यही कंडीशन हो जाएगी, घूर्णन का केंद्र क्या होगा 180 डिग्री, और उसके बाद में उसका इंटरसेक्ट करने के लिए उसके कोण विकर्ण, आपस में एक कोण कर रहे हैं और उसमें उसका एंगल हो गया 180 डिग्री, है ना। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में तीन भुजाएं होगी ऐसे, इसका केंद्र क्या हो गया, जहां पे माध्यिका आपस में तीनों एक दूसरे को तीसरे को काट रही है, तो वो उसका केंद्र हो गया, जहां पे माध्यिका एक दूसरे को मिलती है और क्रॉस करती है, इंटरसेक्ट करती है वो, और इसमें कितनी बार में हुआ, तीन बार में, और इसमें एंगल कितना हो गया, कितने एंगल पे हो गई तीनों, 60 60 60 पे। ओके यहाँ पे रोटेट, यहाँ पे रोटेट और यहाँ पे रोटेट, ओके तो इसमें एंगल कितना हो गया, सॉरी 120 120 होगा, यहाँ पे एंगल ऑफ रोटेशन 120 120 और 120, ऐसे तीन होंगे। अगला फिर है समषटभुज, छह भुजाओं वाला बना दो, एक दो तीन चार पाँच और छः, तो इसमें ये भी जहाँ पे विकर्ण आपस में केंद्र होंगे वो इसका केंद्र होगा, और कितने से पे रिपीट होगा, तीन चार पाँच और छः, छः पे, और इसमें एंगल कितने कितने के होंगे, देखो 60 60 के होंगे तीनों, क्योंकि देखो हम जानते हैं कि ये पूरा एंगल 360 का है। ओके तो अब हम इसको छः पार्ट में बांटना है, तो छः से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हर एंगल कितने का आ गया, 60 का आ गया ना, तो ऐसे हमको पता चला, तो 60 60 60 के होंगे। ठीक है, फोर्थ ये हो गया समषटभुज। अव्रत और अर्धव्रत पढ़ना है, अव्रत कैसा होता है, कुछ ए शेप में होता है, और अर्धव्रत यानी आधा व्रत, आधा व्रत यानी ऐसे कर दिया, एक सेकंड, ऐसे कुछ कर दिया और ये अर्धव्रत बन गया। अब देखो, अब इसमें इसका केंद्र क्या होगा, जिससे ये अपन सममित रेखाएं खींचते थे, तो ये क्या हो गया, जहां पे व्यास आपस में एक दूसरे को काटते हैं, या फिर व्यास का मध्य भाग जिसको हम कह सकते हैं एक तरह से, ये वाला। ओके अब इसमें सेकंड चीज क्या पूछिए, घूर्णन सममिति का क्रम क्या होगा। अब क्रम क्या होगा, जैसे हमने पहले पढ़ा था किसी भी क्रम पे हम उसको काट सकते हैं, ऐसे ये भी काट दिया, ये भी काट दिया, ये भी काट दिया, कितने पे, तो इनफाइनाइट होते हैं, अनंत कर सकते हैं हम इसमें व्रत में तो। और तीसरी चीज इसने क्या पूछी है कि घूर्णन का कोण क्या होगा, घूर्णन ये पूरे उस पर रोटेट कर सकता है, तो इसका घूर्णन का कोण कितना हो गया, 360 डिग्री। अगला क्वेश्चन, जब अर्धव्रत हो, आधा व्रत है, तो इसमें घूर्णन का क्रम क्या हो गया, देखो और इसको हम इसको इंटरसेक्ट कैसे कर सकते, देखो हाँ अब इसमें हमने इसको इंटरसेक्ट, जैसे हाफ ये था, सेकंड वाले में क्या हो गया, ऐसे घुमा तो ऐसे कुछ हो गया, थर्ड वाले में फिर वापस ऐसे हो गया, और फोर्थ वाले में वापस ऐसे खड़ा हो गया, और फिफ्थ वाले में, तो इसका घूर्णन का क्रम तो पूरा 360 डिग्री हो गया, है ना, समझ में आया। और इसकी हाँ, और घूर्णन क्रममिति का क्रम 1 हो गया, क्योंकि वो रिपीट कब हो रहा है, सेम तो वो फर्स्ट वाले पे जाके ही होगा। ओके और अर्धव्रत, और इसका घूर्णन का कोण हो गया 360 डिग्री। ओके और हाँ, व्रत वाले केस में उसका घूर्णन का कोण किसी भी कोण से आप घूर्णन कर सकते हो, इसमें ये था इसका, ये वाला है ना, ये किसी भी एंगल से आप इसको घूर्णन कर सकते हो, उसमें 360 नहीं होगा, उसमें आप कोई से भी एंगल से, चाहे 15 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री, क्योंकि सर्कल है, आप उसको कैसे भी रोटेट करो तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ओके समझ में आया। अब देखो, ऐसे चतुर्भुजों के नाम बताइए जिसमें रेखिक सममिति और क्रम एक से अधिक की घूर्णन सममिति दोनों हो, मतलब ऐसे चतुर्भुज कोई से भी, जैसे आप आयत, वर्ग और कोई से भी शेप बना दीजिए आप, एक तो आयत और एक समचतुर्भुज, ये मैंने कोई सी भी शेप बना दी। अब इसमें इसमें रेखिक भी है और घूर्णन भी है, है ना, दोनों देख लो,
रेखिक भी हो गई और गुंडन भी हो गई। रेखिक तो आप ये काट सकते हैं और गुंडन जो इसे रोटेट हो के जाएगी, है ना। तो कोई सी भी आप जो आपको पता हो वो शेप भी बना सकते हो। तो मैंने कौन सी बनाई है, वर्ग, आयत और समचतुर्भुज। ओके, अगला क्वेश्चन, किसी आकृति को उसके केंद्र के पारित 60 कोण के पर घुमाने पर वह उसकी प्रारंभिक स्थिति जैसा ही दिखाई देता है। इस आकृति के लिए कौन से अन्य कोण भी हो सकते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने कोई एंगल है वो उसका 60 डिग्री, उसका सबसे पहला एंगल बन रहा है 60, तो मतलब और कौन कौन से एंगल हो सकते हैं। तो आप एक बात बताइए, जब पहला 60 है तो वो अगला वाला भी 60 पे ही घूमेगा, ठीक है, घूम लिया 60 पे, फिर उसके बाद भी 60 पे घूमेगा, घूम लिया 60 पे, फिर उसके बाद भी 60 पे ही घूमेगा। लेकिन फर्स्ट वाले को तो हम 60 बोलेंगे, लेकिन सेकंड वाले को क्या बोलेंगे, 120। थर्ड वाले को, क्योंकि हम स्टार्ट कहाँ से हुए अपन वो देखते हैं ना, तो थर्ड वाला 180, उसके बाद में फोर्थ वाला 240, उसके बाद में 300, और उसके बाद में लास्ट में पहुँचते पहुँचते ये क्या हो जाएगा, 360। तो उसके गुणन का क्रम क्या हो गया, 360। तो क्या 120, 180, 240, 300 और 360। लास्ट क्वेश्चन, क्या हमें कोई ऐसा क्रम एक से अधिक की गुणन समिति प्राप्त हो सकती है जिसके गुणन कोण 45 है और 17 है। देखो, आपको जब भी गुणन समिति निकालनी हो ना, आप जैसे 45 दे रखा है तो उसका 180 में या 360 में पूरा पूरा भाग जाता है तो वो गुणन समिति शो करेगा, लेकिन 180 में 17 का पूरा भाग नहीं जाता है तो वो गुणन समिति शो नहीं करेगा। जैसे ना अपन पहले क्या पढ़ते थे, वर्ग के लिए 90 का देव कौन पढ़ रहे थे तो उसका जाता है, 60 का पढ़ रहे थे उसमें भी जाता है, 180 का पढ़ रहे थे उसमें भी जाता है ना, लेकिन 17 का भाग, 17 का भाग 180 में नहीं जाता है, इसलिए ये गुणन समिति शो नहीं करता है सेकंड वाला। ये हमारी एक्सरसाइज 14.2 कंप्लीट हो गई। अब हम एक बार समरी देख लेते हैं, क्या क्या पढ़ा हमने। रेखिक सम्मिति क्या होती है, जब आकृति को आपस में मोड़ेंगे तो इधर भी सेम और इधर भी सेम आया तो वो रेखिक सम्मिति है। और इसमें समषटभुज में 6 होगी, पंचभुज में 5 होगी, वर्ग में 4 होगी और समबाहु त्रिभुज में कितनी होगी, 3। और गुणन सम्मिति में क्या पढ़े थे, गुणन जो रोटेट होती है उसके केंद्र के अक्ष पे, ओके, तो उसको हम गुणन सम्मिति कहते हैं। और फिर हमने देखा था कि बहुत सारे डायग्राम में हम जैसे ई है, एस है, एच है, इसमें हम सम्मिति के प्रयोग हमने दैनिक जीवन में किए थे, ओके। ये हमने को समरी पढ़ी थी कि हम क्या क्या सम्मिति के प्रयोग हम कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो आज ये चैप्टर हमारा यहाँ पे फिनिश हो गया। आपको 14.1, 14.2 और 14.3 अच्छे से समझ में आई होगी। आपको एक बार समझ में आ गई, देख लिया आपने, अब आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आप कॉपी में खुद से एक एक क्वेश्चन उतारिए और उसके बाद में खुद से इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, तो ही आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। प्रैक्टिस करनी है आपको, अच्छे से करना, ओके।